सो गाइस आज का इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, आप लोगों एक हेडशॉट प्लेयर होना या फिर अगर आप बहुत ही पुराना प्लेयर हो, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा गेम खेलते हो, अपना एक हैंडसेट करके रखे हो अपना कस्टम हुड पे, और किसी कारण पे आपका जो गेम रिसेट हो गया या फिर कुछ भी, तो आपका जो पुराना जो सेटिंग है वो आपको नहीं मिलता है। जैसे कि देखो गाइस, यही मेरा सेटिंग है और यही मैं लाइफ टाइम खेलता हूँ, मतलब यही सेटिंग को मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो आपका भी ऐसी कुछ सेटिंग होगा जो आपका भी चेंज नहीं करते हो, बट किसी कारण पे अपना फ़ोन से फ्री फायर अनइंस्टॉल हो चुका है या फिर कुछ भी, तो आपको अपना जो पुराना सेटिंग नहीं मिल पा रहा है। तो इसका लिए आपको क्या करना है, मैं एक ट्रिक बताऊंगा। मतलब ट्रिक नहीं, वो गेम पे ही है, आपको वाला अप्लाई करना है बस। आपका सेटिंग आपको कभी भी, आप कहीं भी अपना सेटिंग को ला पाओगे, मतलब जितना बार भी आपका गेम रिसेट हो या कुछ भी हो, आप एक क्लिक से अपना सेटिंग को ला पाओगे। तो सबसे पहले अपना गेम पे आने के बाद अपना आ जाना अपना सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद गाइस आपको कंट्रोल पे जाना है। कंट्रोल पे जाने के बाद देखो अपना एक जो कस्टम हुड है उसको आपको परमानेंट बना लेना है, या फिर आप पहले से बना के हो उसी पे खेलते हो तो उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है अपना फिर से बाहर सेटिंग पे। सो गाइस अपना जो कस्टम हुड है उसको सेव करने के बाद आप आ जाना है आपको फिर से अपना सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पर देखो गाइस दो चीज़ दिख रहा है, बेसिक पे अपलोड करके ये दिख रहा है ना गाइस, इस अपलोड पे आपको एक बार क्लिक करना है। गाइस आपका जो कस्टम हुड है वो अपलोड हो चुका है गाइस। अभी आपका फ़ोन में अगर जो फ्री फायर कभी भी अनइंस्टॉल होता है या फिर आपका फ़ोन कभी रिसेट होता है, तो फिर से आप अगर गेम को डाउनलोड करते हो ना, तो आपको फिर से मतलब पूरा सेटिंग को अपने आप एक एक करके सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस एक क्लिक से ही आपका पूरा सेटिंग मिल जाएगा। आप किसी का भी फ़ोन पर ऐसे लॉगिन करके अपना वो एक बार से डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करना, आपका पूरा सेटिंग मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा मैं दिखाता हूँ, देख लो। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अपना फ्री फायर अनइंस्टॉल कर लिया गाइस। अभी देखो मेरा जो सेटिंग है पूरा न्यू हो चुका है, मतलब मैं फिर से डाउनलोड किया हूँ फ्री फायर, पूरा न्यू है सेटिंग गाइस। तो मेरे को पुराना सेटिंग को कैसे करना है, मतलब अभी एक एक करके मैं सेटिंग नहीं करूँगा, बस एक क्लिक करूँगा मेरे को पूरा सेटिंग मिल जाएगा, क्योंकि मैं पहले उसको अपलोड कर लिया था। तो आपको आना है सबसे पहले अपना सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद देखो गाइस यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, बस उस डाउनलोड पे आपको एक बार क्लिक करना है, आपका पूरा सेटिंग आपको मिल जाएगा जो आप पहले सेटिंग करके अपलोड कर दिए थे ना, तो अभी वो वाला सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो ये देखो गाइस मेरा जो पुराना सेटिंग था मेरे को पूरा एक ही क्लिक पे पूरा मिल गया, मेरे को एक एक करके सेटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा गाइस। ये वाला ट्रिक जरूर अप्लाई।